खिलौने, ये नाम सुनते ही उम्र दराज लोगों को भी उनके बचपन की याद आ जाती है। भला ऐसे में बच्चों को खिलौनों से खेलने का काफी ज्यादा शौक होता है। यकीनन आपने भी अपने बचपन में खिलौनों से खूब खेला होगा। नमस्कार, मैं सुगन आनंद IID के इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, IID हर बार आपके लिए लेकर आता है नए नए बिजनेस आइडियाज, और आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया बिजनेस आइडिया ताकि आप एक सफल उद्यमी बन सके। आज हम आपको बताएंगे टॉयज मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय के बारे में कि आप इस बिजनेस को किस तरह से शुरू कर सकते हैं, इस बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी और आप इस बिजनेस से कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री की, जिसमें आज IID आपको देगा टॉय मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी। कहते हैं हर कोई अपना बचपन अपने बच्चों की शरारतों में एक बार फिर जी लेता है। खिलौनों से खेलते हुए अपने बच्चों के चेहरे पर तैरने वाली मुस्कुराहट और बेबी वॉकर को पकड़कर धीरे धीरे चलते हुए उनके नन्हे पैरों की आहट, ये देखना हर माँ बाप के लिए एक खुशी का पल होता है। वो छोटा सा बच्चा अपनी प्यारी और मासूम सी दुनिया में खोया हुआ उन खिलौनों से घंटों खेलता रहता है और बेबी वॉकर को थामे हुए इधर से उधर घर में अपनी हंसी बिखेरता रहता है। दरअसल बेबी वॉकर और बेबी टॉयज बचपन की खट्टी मीठी यादों का हिस्सा बन जाते हैं, और IID अपने इस वीडियो में आपके लिए इसी शानदार व्यवसाय से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी लेकर आया है। लेकिन आखिर इसकी शुरुआत होगी कैसे और कहां से, इस जानकारी के लिए पहले आपको ले चलते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की ओर, यानी इसको बनाने की प्रक्रिया की ओर, जिसमें सबसे पहले आपको जरूरत होगी कच्चे पदार्थों मतलब कि रॉ मटेरियल्स की, जो है फूड ग्रेड PP पैलेट्स, स्टील पाइप्स, क्लोथ फैब्रिक्स, रिवेट्स, स्क्रूज एंड नट्स, स्टिकर्स एंड पैकेजिंग मटेरियल। और इन मटेरियल्स को इस्तेमाल में लाने के लिए आपको जरूरत होगी कुछ मशीनों और उपकरणों की, जैसे कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, पाइप बेंडिंग मशीन, रिवेटिंग मशीन, होल प्रेस मशीन, मोल्स एंड डाइज, क्रेन ओवरहेड, कंप्रेसर, टॉर्क गन, टेस्टिंग मशीन। और इन उपकरणों के तौर पर आपको ऑफिस इक्विपमेंट्स और फर्नीचर की जरूरत होगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं बेबी वॉकर बनाने का प्रोसेस। बेबी वॉकर बनाने के लिए सबसे पहले बताए गए सभी रॉ मटेरियल्स को ऑथराइज्ड वेंडर से कलेक्ट करना होगा। बेबी वॉकर को स्टील पाइप्स और प्लास्टिक के इंट्रीगेट पार्ट्स को असेंबल करके बनाया जाता है। सबसे पहले प्लास्टिक पार्ट्स को बनाने के लिए डिजायर्ड शेप की डाई को ऑथराइज्ड वेंडर से प्रिक्योर किया जाता है। अब इस डाई को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में प्रिसाइज लोकेशन पर माउंट किया जाता है। अब मशीन ऑपरेटर द्वारा PP ग्रैन्यूल्स को हॉपर में फीड किया जाता है, जहाँ से ये बैरल में मेल्ट होकर एक सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जिसे ठंडा करके मशीन से बाहर निकाल लिया जाएगा। अब इन पार्ट्स की क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है। एक्सेस और रनर लाइंस को नाइफ की सहायता से मैनुअली रिमूव कर दिया जाता है। अब कुछ प्लास्टिक पार्ट जैसे वॉकर व्हील्स और डेकोरेटिव टॉयज, जिसे वॉकर के साथ एंसिलरी पार्ट्स के फॉर्म में यूज किया जाता है, उन्हें स्क्रू और नट्स की सहायता से असेंबल किया जाता है। इसके बाद स्टील पाइप को इन्वेंट्री से प्रोडक्शन एरिया में लाया जाएगा, जहां इसे डिजायर डायमेंशन के अनुसार बेंडिंग मशीन की सहायता से बेंड किया जाएगा। फिर इस बेंडेड पाइप में होल पंचिंग प्रेस की सहायता से प्रिसाइज लोकेशन पर होल किया जाएगा। इसके बाद इन स्टील पाइप्स की पेंटिंग और पॉलिशिंग की जाती है। अब इन पाइप्स में मूवेबल पार्ट्स जैसे वॉकर व्हील्स आदि को रिवेटिंग मशीन की सहायता से असेंबल किया जाता है। इसके बाद स्टील पाइप्स और प्लास्टिक पार्ट्स की प्रिसाइज असेंबली करके इन्हें सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दिया जाता है, जिसके बाद इस प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्टिंग रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स के अनुसार की जाती है, जिसके बाद इन फाइनल प्रोडक्ट्स को पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। टॉयज का इस टाइम पे इंडिया में बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, और खासकर इस टाइम पे आज हम जहाँ बैठे हैं इंडिया में,
खासकर खुद प्रधानमंत्री जी इस पूरे टॉयज के मार्केटिंग पे पूरे उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट को, हर डिपार्टमेंट को, जैसे चाहे आप वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, चाहे आप अपना एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, ऐसे हर सेक्टर में उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने खुद उसको इनिशिएट लेके कहा, हर मंत्रियों को कहा है कि इसकी कंजम्पशन के ऊपर खासकर ध्यान देना है, ताकि जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो एकदम से उनकी प्रोडक्शन डिमांड निकल के आए, जिनसे उनको मार्केटिंग करने में ज़्यादा दिक्कत ना होए। इस वीडियो में आप जो प्लांट देख रहे हैं उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 800 वर्कर्स पर डे है। इस प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए आपको 15,000 से 20,000 स्क्वायर फीट जमीन यानी कि एरिया की जरूरत होगी, जिसमें प्रोडक्शन एरिया 8,000 से 10,000 स्क्वायर फीट, रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया 2500 से 3,000 स्क्वायर फीट, फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज एरिया 2,000 से 3,000 स्क्वायर फीट और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया भी शामिल है। स्मॉल स्केल पर 170 से 200 वॉकर पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ इस बिजनेस को करने के लिए 3500 से 4000 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड होगा और मैन पावर के तौर पर आपको 30 से 35 वर्कर्स की आवश्यकता होगी, जिसमें 8 से 10 स्किल्ड, 15 से 20 अनस्किल्ड, 1 से 2 टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, अकाउंटेंट भी शामिल है। मैन पावर रिक्वायरमेंट आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर भी डिपेंड करती है। बिजली के तौर पर आपको इस व्यवसाय में 60 से 70 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की आवश्यकता होगी और स्मॉल स्केल पर आपको 30 से 35 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत होगी। वहीं अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एटलीस्ट 40 से 45 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और इस वीडियो में जो प्लांट आप देख रहे हैं इसमें 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है। प्रॉफिट की बात करें तो इस बिजनेस से आप 14% से 18% तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और इस व्यवसाय को शुरू करने एवं बिना झिझक के चलाने के लिए आपको जो लाइसेंसेस अनिवार्य होंगे वो है GST, उद्यम, फैक्ट्री लाइसेंस, NOC फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और BIS। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, जिन्हें आगे बढ़कर न केवल अपने लिए बल्कि अपने देश के विकास के लिए भी आत्मनिर्भर बनना है, जिसकी बुनियाद है उनका बचपन, जिसमें हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि हम उन्हें उन चीजों का प्रयोग करना सिखाएं जो उन्हें अपने देश से जोड़े रखें। उम्मीद है इसी प्रयास से संबंधित हमारी यह डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी IID के साथ जुड़ना चाहते हैं या किसी भी तरह के बिजनेस से जुड़ी कोई जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही IID से कॉन्टैक्ट करें। IID के मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन की सहायता से हमारे वैल्यूएबल मेंबर बनिए और पाइए इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट एपिसोड्स और ढेर सारी बहुमूल्य सेवाएं। साथ ही डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव और हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया TV को सब्सक्राइब कीजिए। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर।